क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच चल रही T20 श्रृंखला में भारतीय टीम को सपोर्ट कर रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला वेलिंगटन में खेला गया। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारतीय टीम की शुरुआत लोकेश राहुल ने अच्छी करी, लेकिन लोकेश राहुल के आउट होने के बाद भारतीय पारी डगमगाती हुई दिखाई दी। दोस्तों, इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम में तीन बड़े बदलाव किए गए। इस मुकाबले में संजू सैमसन, नवदीप सैनी और वाशिंगटन सुंदर को टीम में चुना गया। बतौर ओपनर बल्लेबाजी करने आए संजू सैमसन इस मुकाबले में भी फेल दिखाई दिए, लेकिन निचले क्रम में बल्लेबाजी करने आए मनीष पांडे ने भारतीय पारी को गिरने नहीं दिया। दोस्तों, मनीष पांडे ने इस मुकाबले में 50 रनों की सबसे महत्वपूर्ण अर्धशतकीय पारी खेली। वहीं उनका साथ देते हुए गेंदबाज शार्दुल ठाकुर ने भी 20 रनों की गजब की पारी खेली। मनीष पांडे की इस लाजवाब पारी की बदौलत भारतीय टीम ने इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के आगे 165 रन का सम्मानजनक लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड ने शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। खास करके कॉलिन मुनरो इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में दिखाई दिए। मुनरो को आउट करने में कोई भी भारतीय गेंदबाज सफल नहीं हो पा रहा था। गौर करने वाली बात यह थी कि भारतीय टीम के सबसे बेस्ट गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी मुनरो के सामने फेल दिखाई दिए, लेकिन पारी के 12वें ओवर की चौथी गेंद पर मुनरो को शार्दुल ठाकुर और विराट कोहली ने रन आउट कर दिया। मुनरो ने न्यूजीलैंड के लिए इस मुकाबले में 45 गेंदों में 64 रनों की बेहतरीन पारी खेली। वहीं उनके बाद बल्लेबाजी करने आए टॉम ब्रूस को भी युजवेंद्र चहल ने क्लीन बोल्ड कर दिया। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस मुकाबले से पहले खेले गए तीनों मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को करारी शिकस्त देकर इस T20 श्रृंखला को पहले ही अपने नाम कर लिया है, लेकिन देखने वाली बात रहने वाली है कि क्या भारतीय टीम 5-0 से न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में ही हराकर इतिहास रचने में सफल रहेगी या नहीं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम न्यूजीलैंड को आने वाले 5वें मुकाबले में हराने में सफल रहेगी या नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।